हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखें मेरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कार है, देखिए ये कार है, इसने इस लाइन पर ट्रेवल किया। तो ये जो कार थी हमारी, इसने इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक 2 सेकेंड्स लिए और इसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर। ठीक, फिर इसी कार ने बी पॉइंट से सी तक जाने में फिर 4 किलोमीटर ट्रेवल किया और इसने फिर से 2 सेकेंड्स लिए। ठीक है, और इस पॉइंट सी से डी तक जाने में, ठीक है, इस पॉइंट से डी तक जाने में इसने फिर से 4 किलोमीटर ट्रेवल किया और इसने फिर से 2 सेकेंड्स लिए। ठीक है, तो देखिए, आप अगर हम इस ऑब्जर्व करें इस ग्राफ को जो मैंने बनाया है, तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि हर 2 सेकेंड में ये 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, मतलब हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब समझदार को इशारा काफ़ी। देखिए, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर आप अपनी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इसको ऐसे ही लगा कर रखते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर रखते हैं, तो हर 1 घंटे में आपकी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगी। ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, तो मैं इसके अपोजिट बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने एक बॉल है, उसको छोड़ा, तो हवा में जब आप छोड़ते हैं, तो जो आपके, देखिए, सबसे छोटा पार्ट ये 1 सेकेंड में मान लीजिए 2 मीटर ट्रेवल करती है, और उससे अगले सेकेंड में ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस ज़्यादा है, 3 मीटर, और उसके अगले सेकेंड में ये फिर से 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 4 मीटर सॉरी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह का मोशन जो होता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा, आपको हमने 2 तरह के मोशन सिखाए हैं, तो और उनका सेम एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक सिखाया है यूनिफॉर्म और दूसरा मैंने आपको सिखाया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म का आप एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, अगर स्ट्रेट रोड है तो स्ट्रेट रोड पर जो बाइक चलती है तो मैक्सिमम वो कैसी होती हैं, वो होती हैं यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अगर कर्व्ड रोड है, मान लीजिए हिल प्लेस पर कोई कर्व्ड रोड है, तो आपने देखा होगा मोड़ों पर जो टर्न्स होंगे उस पर स्पीड कम हो जाएगी, तो कभी कम स्पीड होगी, कभी ज़्यादा होगी, तो कभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कभी कम, मतलब इक्वल नहीं करेगा। तो इस तरह के मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स लाइव। थैंक यू वेरी मच।